विधियां सीखने की कोशिश करेंगे। होगा हमारा ये टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड ही, बट हम फिजिक्स के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंटल लेक्चर उसको समझने की कोशिश करेंगे। थ्रेटिकल तो हमने फिजिक्स बहुत पढ़ी हुई है, हम उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल करके हम क्या करेंगे उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं ये हमारे पास डेली लाइफ में कहाँ पे वैलिड हो रही है कहीं पे या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनर्शिया के बारे में, और वो होगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वीडियो लेक्चर। इनर्शिया के टॉपिक के ऊपर हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल, उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, एक दो या तीन जितने भी प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म कर सकते हैं उसको परफॉर्म करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे इनर्शिया के टॉपिक को। तो आइए सबसे पहले इसका थ्योरी का पोर्शन हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, सबने बुक में लिखी हुई है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या करती है, किसी बॉडी में जो चेंजेस आ रही है, अगर बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूविंग फॉर्म में हम उसे स्टॉप करेंगे तो उसमें क्या उसकी स्टेट में कुछ चेंजेस आ गई तो इनर्शिया क्या करती है उसको रेजिस्ट करती है, मतलब के रोकती है, उसे स्टेट चेंज करने से रोकती है। ये इनर्शिया की डेफिनेशन हमने देख ली। इसको हम सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं कि सिंपल वर्ड्स में हमारे पास इनर्शिया की डेफिनेशन कैसे हम कहते हैं कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट शुड रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे ही रहना चाहिए। एक तो ये इसका केस है, या दूसरा इसका केस है हमारे पास मूविंग फॉर्म मोशन की स्टेट वाला कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, तो क्या होगा, मोशन की स्टेट में ही रहेगी। ये इनर्शिया की हमारे पास डेफिनेशन है। इसको हम क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट। आज की इस वीडियो में हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने का सोचा है कि इस स्टेटमेंट को, इनर्शिया की डेफिनेशन को हम 3 एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपनी लाइफ में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं तो साथ साथ आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है सबसे पहले मैं वो आपको मेंशन करके बताता हूँ कि तीनों एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा। आपने भी कोशिश करनी है साथ साथ वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, फिर बहुत ज़्यादा आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का हमारे पास मटेरियल है, इसमें सबसे टॉप के ऊपर हमें क्या चाहिए, अ ग्लास फिल्ड विद वाटर। एक ग्लास है जो कि वाटर से फिल किया हुआ है, ये हमारे पास इसका एक मटेरियल है, एक ऑपरेटर है इस एक्सपेरिमेंट का। सेकेंड नंबर पे हमें इसमें क्या चाहिए, नीडल चाहिए, मेटल की जो बनी हो, किसी भी मेटल की हो सकती है, कोई भी नीडल हो सकती है, स्टिचिंग के लिए जो हम यूज कर सकते हैं वो भी नीडल हो सकती है, कॉमन पिन की हो सकती है, नीडल होनी चाहिए, वो मेटल की बनी होगी हमारे पास। उसके बाद हमें एक टिश्यू पेपर भी इस एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड होगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का मटेरियल, जो जो ऑपरेटर्स हमने इसमें यूज करना है, इन चीजों को यूज करके हम आज का अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के मटेरियल की तरफ कि उसमें हमें कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, वो भी इनर्शिया से रिलेटेड ही होगा हमारा एक्सपेरिमेंट। जी तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसमें हमें 3 चीजें चाहिए होंगी। नंबर 1 ग्लास, एम्प्टी ग्लास, पानी से भरा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल खाली ग्लास होगा। और दूसरा हमें चाहिए इसमें कार्डबोर्ड, जो हमारे पास जैसे कि रजिस्टर होते हैं उसका जो हमारे पास फ्रंट पेज होता है, डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं, जो हमें शो हो रहा है सामने, वो क्या है, कार्ड का बना होता है, उसमें से आप उसको काट सकते हैं, कार्डबोर्ड। और नंबर 3 हमें कोई भी एनी कॉइन चाहिए, किसी भी करेंसी का वो कॉइन हो सकता है। ये 3 हमें इसमें मटेरियल रिक्वायर है। तो एंड में हम इसके बाद आप इसकी डायग्राम भी आपके सामने शो हो रही है कि हमने उस एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स को किस तरह अरेंज करना है। तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ग्लास है हमारे पास, एम्प्टी ग्लास है, उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, उसको कार्डबोर्ड को प्लेस करवाया है, उसके ऊपर हमने कॉइन को प्लेस करवाना है। तो फिगर में आपके साथ लिखा हुआ है कि इफ वी फ्लिक द कार्ड कॉइन विल फॉल इन द ग्लास, कि जैसे हम कार्ड को फ्लिक करें
स्पीड से अपने हैंड की हेल्प से, हैंड की मदद से, तो कॉइन क्या करेगा, ग्लास के अंदर उसको गिरना चाहिए अकॉर्डिंग टू इनर्शिया। तो जब हम इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे इस तरह इसके ऊपर इनर्शिया डायरेक्ट हो रही है। और जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमारे पास, वो भी इनर्शिया के हमारे पास टॉपिक के ऊपर है, आपके सिलेबस में भी है, बुक के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट्स मेंशन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 है हमारे पास, ये उसका सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं। इसमें क्या हुआ है, इसके अपरेटिस में क्या चाहिए, फ्यू कॉइन्स अप टू 10, कुछ कॉइन्स चाहिए, 10 तक हो सकते हैं, इतने कॉइन्स आपने अपने पास रखने हैं, वो 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 रुपए का भी, 5 रुपए का भी, डिफरेंट कॉइन आपके पास ये होने चाहिए। और दूसरा हमें इसमें क्या चाहिए, एक नाइफ, नाइफ समझते हैं जिसको हम फ्रूट काटने के लिए यूज करते हैं, वो हमें एक छुरी नाइफ जिसे हम कहते हैं, शार्प जिसका हमारे पास एक साइड हो, वो हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो एंड पे आपको इसकी डायग्राम शो हो रही है इस ऑपरेटर्स की, कि हमने इस ऑपरेटर्स को किस तरह से अरेंज करके अपना आज का ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म करना है। तो हम बढ़ते हैं अब अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। इसमें मैं आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का मटेरियल वो जरा रिवाइज करवा देता हूँ, आपको सामने शो भी हो रहा है। उसमें हमें क्या क्या चाहिए था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, ये एक चाहिए थी हमें चीज, एक निडल चाहिए थी मेटल की बनी हो, और एक टिश्यू पेपर, ये 3 चीजें हमारे इस एक्सपेरिमेंट में यूज होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा ऑपरेटर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ, कि वीडियो में हम किस तरह ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो मैं आपको ये सिखाता हूँ। अभी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का सारा ऑपरेटर्स है, जो जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर नोट डाउन करवाया था। उसमें हमें सबसे पहले क्या था, ग्लास फिल्ड विद वाटर, ये रिक्वायर्ड था हमारे पास, और हमें नीडल चाहिए थी। आप देख रहे हैं ये नीडल है मेटल की किसी भी बनी चाहिए, मेरे पास ये स्टिचिंग नीडल है, आप इसकी जगह पे थंब पिन भी, कॉमन पिन भी यूज कर सकते हैं। और नंबर 3 हमें चाहिए था इसमें टिश्यू पेपर, और आप देख सकते हैं मैंने ये KFC का टिश्यू पेपर यूज किया है, आप कोई भी अपनी पसंद का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट के काम की तरफ, कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में इनर्शिया को कैसे रिलेट करना है। तो आप सब ने देखा होगा कि हमारे पास ये जो नीडल है, अगर हम क्या करते हैं, इसको वाटर की सरफेस के ऊपर प्लेस करवाते हैं, तो ये इसके ऊपर ये फ्लोट कभी भी नहीं कर सकती। आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको बहुत प्यार से भी अगर इसके ऊपर प्लेस करवाऊंगा, तो ये क्या करे, इसके अंदर डिप होगी, इसके अंदर ये फ्लोट नहीं कर रही, इसके निचले वाली तह के अंदर चली गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ग्लास को चेंज कर लेते हैं, मतलब ये उसका ग्लास का पानी निकाल के हमने उसे ग्लास में फिल कर लिया है। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमने ये देखना है कि नीडल को इसके ऊपर फ्लोट करना चाहिए, तैरते रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें टिश्यू पेपर की भी हेल्प चाहिए होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने टिश्यू पेपर को इस ग्लास के डायमीटर के अकॉर्डिंग काट लेना है, तो आप सर्कुलर फॉर्म में भी काट सकते हैं, आप उसको रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने टिश्यू पेपर को काट लिया हुआ है ग्लास के साइज के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर को पानी के ऊपर वाली लेयर के ऊपर रखेंगे, और साथ ही आपने नीडल को उसके ऊपर प्लेस कर देना है। अब आपने क्या करना है, ये खुद ही देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से टिश्यू पेपर उसके नीचे मूव कर जाएगा पानी के नीचे वाली तह में, जबकि नीडल क्या कर रही है, आपके सामने वाटर के ऊपर वाली सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि टिश्यू पेपर और नीडल ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, टिश्यू पेपर साइड पे चला गया नीचे वाली तह में, जबकि जो नीडल है हमारे पास ये ऊपर फ्लोट कर रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये किस तरह फ्लोट कर रही है,
वीडियो आपने देख ली है कि हमारे पास नीडल को जो हमने टिश्यू पेपर के बगैर अगर हमने जब मूव करवाया था तो पानी के नीचे वाली तह पे वो चली गई थी। जब हमने टिश्यू पेपर यूज किया, टिश्यू पेपर क्या कर रहा है, नीडल को, जैसे ये हमारे पास नीडल है, ये टिश्यू पेपर है, उसको नीचे की तरफ से कुछ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वो प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से वो क्या है, हमारे पास नीडल किस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन पे है, नीडल मूव नहीं कर रही, बट स्लोली टिश्यू पेपर क्या कर रहा है, नीडल से आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होता जा रहा है, फोर्स जो थी हमारे पास इसमें लेट्स सपोज स्टोर हो गई है ऊपर वाली सरफेस पे। अब इनर्शिया ने क्या इसको रोक के रखा हुआ है कि ये किस स्टेट में थी, पहले रेस्ट की स्टेट में स्टॉप थी, तो इनर्शिया ये कहती है इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट शुड रिमेन एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो उसे हमारे पास रेस्ट पे ही रहना चाहिए था, उसे मूव नहीं करना चाहिए था। तो हमने बाय एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर लिया, हमने इसको स्टडी कर लिया कि इनर्शिया क्या कर रही है, डेली लाइफ में वैलिड हो रही है, इनर्शिया की वजह से ही नीडल उसके अंदर उसकी तह में नहीं गई, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर वो फ्लोट करती रही है। उम्मीद है आप सबको ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है हमारे पास, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करके दिखाएंगे। आप सब ने उसका दोनों का मटेरियल जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का और 3 का वो आपने कंप्लीट करके रखना, आप अपने पास जो जो उसमें रिक्वायर्ड है वो आपको याद होना चाहिए, फिर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो तेजी से बहुत कम टाइम में हम उसको परफॉर्म करके आपके सामने ले आएंगे।